हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुदेश, आई एम योर ईवीएस टीचर. स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्टली वेलकम इन अवर ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आदर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशरकट. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल वेल एंड फिट एंड फाइन. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप यूर हेल्थ इज़ टू गुड. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ऑलवेज स्टे इन होम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स स्टडी टाइम. आर यू रेडी? ओके स्टूडेंट्स, now today we start our first class EVS and first chapter my body. dear students, हमने जो हमारे totally जो हमारे chapter है वो हमने 5 chapter complete कर लिए हैं. and dear students, we repeat again our 5 chapters. okay, and every lesson के complete होने के बाद क्या है, एक test होगा. so dear students, please you read and listen carefully. okay, now we start our first chapter my body. unit first my body. first chapter is my body. many body has, my body has many parts. यानी कि जो हमारा शरीर है या आपका शरीर है उसके क्या है, many parts यानी कि कई हिस्से हैं या अंग हैं. okay, each part has its own function. कि जो हर पार्ट है उसका क्या है, ऑन मतलब अपना एक फंक्शन, मीन्स कार्य, कि उसका एक अलग काम होता है. ईच पार्ट्स हैज़ इट्स ओन फंक्शन. द बॉडी पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, इट कॉल्स एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. द बॉडी पार्ट्स विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. कि जो हमारे शरीर के वे अंग जिन्हें क्या है, हम मतलब आउटसाइड यानी कि बाहर से देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, यानी कि बाहरी जो शरीर के अंग होते हैं ये वो कहते हैं. ओके, एंड विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. और शरीर हमारी जो वे बॉडी पार्ट्स या शरीर के वे अंग जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते, कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स, क्या कहते हैं, आंतरिक अंग कहते हैं. ओके, वी रिपीट अगेन स्टूडेंट्स. My body has many parts. Each part has its own function. The body parts can be seen from outside are called external body parts, and which cannot be seen from outside are called internal body parts. कि जो हमारे शरीर के कई हिस्से अंग होते हैं और हर अंग का क्या होता है, अपना एक अलग काम होता है. ओके, और हमारे शरीर के वे बॉडी पार्ट्स जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं उन्हें तो हम मतलब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं, एंड वो पार्ट्स जिन्हें हम मतलब आउटसाइड से नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स. ओके, द फिगर गिवन बिलो शोज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज, ऑफ आवर बॉडी. कि हमें यहाँ पे एक बॉडी दी गई है एक चाइल्ड की, इसमें क्या किया है कि जो बाहर से जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट शो हो रहे हैं वो हमें दिए गए हैं. मैच देयर नेम विज एरोज, कि हमें एरोज से क्या करना है, इनके बॉडी पार्ट्स के नेम को बॉडी के साथ मैच करना है. ओके, नाउ स्टार्ट स्टूडेंट्स द मैच ऑफ नेम विच बॉडी पार्ट्स. डियर स्टूडेंट्स, हेड, ये क्या है, हेड, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हेयर. ओके, नेक्स्ट ईयर, आईब्रो, आई मीन आँखें. नेक्स्ट नोज, नेक्स्ट क्या दिया गया स्टूडेंट्स, नोज. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज यू मैच द बॉडी नेम्स विद द पिक्चर इन योर बुक. ओके, नेक्स्ट माउथ, नेक, चेस्ट, शोल्डर, आर्म, एल्बो, स्टोमच, वेस्ट, हैंड, सॉरी स्टूडेंट्स, हैंड, थाई, नी, टोय, फीट. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रीड केयरफुली. फीट,
फीट, एंकल मीन्स घुटना, लेग पाँव, फिगर उंगली, ओके। डियर स्टूडेंट्स प्लीज यू मैच केयरफुली, वी रिपीट अगेन स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, हमारे जो शरीर के अंग या बॉडी पार्ट है वो क्या है, मतलब जिनको हम बाहर से देख सकते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल को हम बाहरी बोलते हैं और इंटरनल को हम आंतरिक बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस पिक्चर हमें एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, यानी कि वो बॉडी पार्ट्स जो एक्सटर्नल है या जिनको हम देख सकते हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ यू मैच द बॉडी पार्ट्स विद द पिक्चर इन योर नोटबुक, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स द फेस इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड, कि फेस क्या होता है, जो हमारा हेड होता है यानी कि सिर होता है उसका क्या है, फ्रंट पार्ट होता है। वी रिकॉग्नाइज पीपल बाय देयर फेस, कि हम पीपल्स को जो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उनके फेस के थ्रू करते हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स फेस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हमें यहाँ पे दिए गए हैं, प्लीज़ लुक केयरफुली, चिन, ईयर, फोरहेड, आई, नोज एंड माउथ, ओके। नेक्स्ट फैक्ट फाइल दी गई है, आवर बॉडी इज ए लिविंग मशीन, आवर बॉडी इज ए लिविंग मशीन, हमारा जो शरीर क्या है, जीने की एक मशीन है। आवर नेल्स एंड हेयर ग्रो ऑल टाइम, कि जो हमारे नेल्स और जो हेयर होती हैं वो क्या करते हैं, ऑल टाइम ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट थिंग्स टू रिमेंबर हैं, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ ए नेम, कि जो हमारा हर एक शरीर का अंग आता है उसका क्या एक अलग नेम होता है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूजफुल, कि जो हर जो मतलब अंग है या पार्ट है वो यूज़फुल होता है, यानी कि ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, यानी कि यूजलेस कोई भी नहीं है। अगर हमारे शरीर का एक भी बॉडी पार्ट मतलब वर्क करना बंद कर दे प्रॉपरली तो क्या होता है, बॉडी का मतलब कुछ वैल्यू नहीं रहती, उसके बिना हम वीकनेस फील करने लगते हैं, ओके स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ यू केयर योर बॉडी एंड प्लीज़ डू योर वर्क, ओके। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड डियर स्टूडेंट्स रेडी फॉर योर टेस्ट, ओके। ये लेसन कंप्लीट होने के बाद इसका टेस्ट होगा, सो डियर स्टूडेंट्स आई नो यू कैन डू इट। डियर स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ओके स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।